आइए आपको सीधे ले चलते हैं कांग्रेस मुख्यालय से लाइव। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब, पार्टी के महासचिव और सांसद आदरणीय मुकुल वासनिक, पार्टी के महासचिव आदरणीय पांडे जी, दिल्ली के प्रभारी और सांसद श्री शक्ति सिंह गोहिल जी का मैं स्वागत करता हूं। सच के संघर्ष की इस लड़ाई में वो अगर मैं इस मंच के तजर्बे को गिनूं तो शायद भारत की जंग आज़ादी का जो कांग्रेस का इतिहास है 136 साल का, ये तजर्बा उसके बराबर है। और सार्वजनिक जीवन में जो लंबा तजर्बा प्रशासनिक और संगठनात्मक पदों पर आप सबका रहा है, और इंदिरा जी, राजीव जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, उन सब के साथ आप सब ने कार्य किया है लंबे अरसे तक। मैं अनुरोध करूंगा कि सच के इस संघर्ष का बिगुल बजाने आप सब यहां उपस्थित हैं, और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखेंगे। आदरणीय गहलोत साहब से हम शुरू करेंगे। चाचा जी का ये हुक्म है। तो एविडेंस में हूँ खड़गे साहब, एविडेंस में है। इनसे पूछताछ हो चुकी है ईडी की, इसलिए इनका कहना है कि मेरा कुछ बोलना उचित नहीं है। नहीं, वो सीरियस नहीं लेंगे, पर आपका बोलना ठीक नहीं। आप ठीक है, देखिए हम लोग तो 3 दिन से लगातार आपके साथ में संवाद करते रहे हैं, और सारी जानकारी आपको भी हो चुकी है। आप लोग मेरे कई अनुभवी बैठे हैं यहाँ पर साथी। मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है, चौथा स्तंभ कहलाता है। तो आप देख लीजिए कि जो कुछ भी देश में हो रहा है, ऐसा मैंने मेरे मुझे भी 40-42 साल में पार्लियामेंट में आया हूँ, 80 से तब से हूँ, 42 साल से। तो केंद्रीय मंत्री भी रह लिए, पीसीसी प्रेसिडेंट रह लिए, एआईसीसी में रह लिए, मुख्यमंत्री 3री बार बन गए। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस के शासन में लगभग 70 साल तक जो देश का स्वर्णिम इतिहास बना, आधुनिक भारत जो दिख रहा है, आज़ादी के वक्त क्या था आज क्या है आपको मालूम है, पर ये 8 साल का काला अध्याय है इतिहास में। इस 8 साल के इतिहास लिखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। काला अध्याय इसलिए कि संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देशवासी बहुत दुखी हैं, तनाव में हैं। आप विश्वास कीजिए, गली गली में तनाव है देश के अंदर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया में देखते हैं छोटे छोटे गांवों के अंदर भी 200-400-500 लोग तो आराम से आक्रोशित होकर नारे लगा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ऐसा माहौल विस्फोटक बन गया, इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा लंदन में कि केरोसिन छिटक दिया गया है, इस बात को मैं समझता हूँ कि हम सबको समझ जाना चाहिए उनके मायने क्या थे। और वही हो रहा है, वही हो रहा। अभी दंगे भड़के, आपने देखा रामनवमी पे 7 राज्यों में दंगे भड़क गए, एक ही ट्रेंड है सब जगह। अभी जो शुक्रवार की नमाज पढ़ी गई तो जुलूस निकले, बड़े बड़े दंगे हुए कर जगह। ये तमाम बातें जो है देश में ऐसी स्थिति बन गई, करप्शन की तो हदें पार हो गई है। ये आरएसएस और बीजेपी के नेता लोग ईमानदार भी हैं उनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बाकी लोग लूट रहे हैं देश को। करप्शन 10 गुना बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया है। इन बातों पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए टारगेट किसको बनाएंगे? आज देश का तमाम विपक्षी पार्टियाँ मान गई, देशवासी मान गए, एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है।
अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल उसमें आने लग गया है, एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है और उन्हीं को मोदी जी अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। कोई कारण नहीं था कि आपने इस प्रकार से उनको नोटिस दिए, जबकि किले कट मामला है। आप नोटिस आपको ये सर्कुलेट किया है सुरजेवाला जी ने, आपको भी दे देंगे, सबके लिए ओपन है, वो तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है। हमारा खुद का अखबार 37 में शुरू किया आज़ादी की जंग के अंदर, लगभग 5,000 फ्रीडम फाइटर्स मेंबर बने उस जमाने के अंदर। उसके बाद में की शुरुआत होती है आज़ादी जंग में, इसको एक बार बैन लगा दिया इसके ऊपर अंग्रेजों ने। उसके बाद में लगातार कमज़ोर होता गया, और जो मीडिया के अखबार कमज़ोर हो जाते हैं, आज देखिए कितने लोगों की तनख्वाहें कम कर दी है, छटनी कर दी है प्रिंट मीडिया ने भी और आपके विजुअल मीडिया ने भी। सबको मालूम है कि देश में क्या स्थिति है मीडिया की भी। ये अखबार को हम लोगों ने मांग करी सोनिया जी से, सालों से मांग करता आ रहे, रिवाइव होना चाहिए वापस हमारा नेशनल हेराल्ड। उसका अपने ऐतिहासिक बैकग्राउंड है आज़ादी जंग का भी और बात का भी, उसको लेके हम लोग मांग करते रहे कि रिवाइव होना चाहिए। और 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपये दिए गए 100 किस्तों में 2002 से मेरे का 2012 तक ऐसा कुछ है। अब बताइए 100 किस्तों में कभी 2 करोड़ के 10 करोड़ के 15 करोड़ दिए होंगे, कभी ये अखबार रिवाइव होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि मिस्टर भार्गव थे जयपुर के अंदर, 15 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही थी उनको, 15 साल से तब भी वो जुड़े हुए रहे वहाँ पर, अखबार पूरी तरह चल नहीं पा रहा था। अगर हम अपने अखबार को और जो कॉन्शियस में लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम को कोई आगे बढ़ाएगा तो उसको कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल पार्टी इमदाद कर सकती है। हो सकता है कि 5 जनिया और जो अखबार निकलते हैं बीजेपी के, इनको भी सपोर्ट करा होगा बीजेपी, हमें नहीं मालूम है, तो कर सकते हैं। इस रूप में ये अखबार को वापस रिवाइव करने का एक अटेम्प्ट किया गया। नॉन प्रॉफिटेबल कमेटी बनाई गई जिसमें 1 रुपया भी जो डायरेक्टर है उसके अंदर, जिसमें सोनिया जी भी आती है, राहुल जी भी आते हैं, 1 रुपया भी लाभांश का ले नहीं सकते। वो कानूनी ऐसा है, लिक्विडेट भी हो जाती है अगर मान लीजिए यंग इंडिया, तब भी प्रॉपर्टी AGL के नाम से है, 1 रुपया ले नहीं सकते, लाभांश ले नहीं सकते, वो कंपनी है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गई। तो ये हालात अभी आपको सब मेरे साथी बताएंगे। मैं खाली आपको कहना चाहूँगा जो सीनियर बदला देश के अंदर वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, काले अध्याय में लिखा जाएगा देश के। ये आज मुझे बताइए हम ये ऐसे में बैठे हुए हैं, पता नहीं आपको इजीली आने दिया गया होगा पुलिस वालों ने क्योंकि आपका रिकॉर्ड होगा मीडिया का, वरना हमारा AIC महामंत्री नहीं घुस सकता यहाँ पर, अधिकारी पदाधिकारी नहीं आ सकते। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर पर जाने से किसी रोका गया क्या? हम अपने ऑफिस में नहीं आ सकते, ये पहली बार देख रहे हैं। तो दिल्ली में कोई आ रहे हैं बाहर से तो रास्ते में अरेस्ट कर रहे हैं, पूरा कल जाम लगा रखा था खुद नहीं, बदनाम कांग्रेस हो गई, राहुल गांधी जी के समर्थन में इतनी जाम लग गया। ये जो हालात बने इससे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें सोचना पड़ेगा कि देश की दिशा में जा रहा। मैंने टाइम मांगा ED के डायरेक्टर से, CBI के डायरेक्टर से और तो और CBDT चेयरमैन से, इनकम टैक्स के, कि तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारी, हमें घर है तीनों एजेंसियों पर, उनके उनके जो स्थिति बनी देश के अंदर, क्रेडिबिलिटी कम हुई है, लोग क्या सोचते हैं। एक नागरिक के नाते, एक मुख्यमंत्री के नाते मैंने कहा मैं आपसे आगे मिलना चाहता हूँ, मैं बताऊंगा मेरी भावना क्या, देशवासी क्या सोचते मेरे हिसाब से, सुनने में क्या दिक्कत थी। पुलिस कमीशन से टाइम मांग रहे हैं यहाँ पर, भाई आप AICC में आने से क्यों रोक रहे हो, पुलिस कमीशन टाइम नहीं दे रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस शासन के अंदर हमेशा जब कभी BJP वाले कोई पार्टी वाले टाइम मांगते थे बिना कांग्रेस को पूछे हुए टाइम मिलता था, कलेक्टर हो, SP हो, DG हो या कोई भी हो, क्योंकि फैसला करना उसके हाथ में है, खाली सुनने तो है आपको,
आपको खाली सुनना है, आप उसके बाद में अपनी बात पर अड़ंग रहो, कौन आपको रोक सकता है? आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, टाइम नहीं दे रहे हो आप लोग। ये कहाँ की प्रक्रिया भाई है, क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए कहने को हजार बातें हैं, खाली मैं इतना कहना चाहूँगा कि ईडी के जो नोटिस दिए गए हैं, ये तंग करने के लिए दिए गए, टारगेट करके दिए जा रहे हैं, और देशवासी देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। इंदिरा जी को भी जेल में डाल दिया था इन्हीं लोगों ने, आज जो सत्ता में हैं ये भागीदार थे उस वक्त में जनता पार्टी के शासन के अंदर, नहीं बोलना चाहिए। जो मुरारी भाई देसाई बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, इनके दबाव में मुरारी भाई देसाई को, गृह मंत्री को फैसला करना पड़ा, इंदिरा गांधी जी को निकाल दिया पार्लियामेंट जीती हुई थी बाई इलेक्शन, जेल भेज दिया उनको, पूरे देश के अंदर जेल भरो अभियान हुए थे उस वक्त में, हम लोग सब जेल गए थे। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये जो हरकतें कर रहे हैं लोग, इनकी भारी पड़ेगी, जनता सब समझ चुकी है इनकी अप्रोच को, और आप देखेंगे कि ये तरीके जो है ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। आज बुलडोजर चल रहा है एक के व्यायाम पर, कहीं वो बुलडोजर और किसी का घर चल सकता है? ये कोई कानून है क्या? राज कानून का रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। अगर कानून का राज ही खत्म हो जाएगा तो कोई सुरक्षित नहीं है, किसके यहाँ पर क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। कानून है, संविधान है, उसे देश चलता है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि आज हम लोग जो बैठे हैं, आपको ये सभी मेरे साथी अपनी बात कहेंगे, आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा। कल मैंने कहा एक बात कह, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए। प्रधानमंत्री जी, विपक्षी पार्टियाँ मांग करती है, आपको देश को संबोधित करना चाहिए कि देश में शांति, भाईचारा, सद्भाव रहे, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। 13 पार्टियों ने उनकी मांग करी परसों, और कल मैंने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मांग के अलावा, कि गली गली में जो तनाव हो गया है, गांव गांव में तनाव हो गया, वो आपको हमको नहीं मालूम है बैठे हुए, कब आग लग जाए, कब कितना दुखी है रात को सोते वक्त में, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, देखिए पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ में। अगर इतना भय है तो डेमोक्रेसी में भय होना लाजमी है क्या? तो मैं कहा आपको संबोधित करना है देशवासियों को कि मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसमें उनको संकोच क्यों हो रहा है? उनको अमित शाह जी को इस समझ के परे है, देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं कह सकता है। RSS बीजेपी जिस रूप में इनकी अप्रोच है बहुत खतरनाक है, यही मैं कहना चाहता हूँ।